हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। अब स्टूडेंट ने मुझे सर रिव्यू दिया है अबाउट CMA ऑनलाइन एग्जाम्स, और खुद ही उनका कहना है कि सर दिस इज द वर्स्ट एग्जामिनेशन सिस्टम वी हैव एवर मेट। इतना खराब एग्जामिनेशन सिस्टम, उम्मीद नहीं थी कि इतना खराब भी हो जाएगा। वो ऑनलाइन एग्जाम है, पहली बात तो सर सेंटर पे प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सारी बातें आपको। सेंटर पे प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बच्चों को दिक्कत आई। सेंटर ही आपने इतनी इतनी दूर रख दिए बच्चों को, वो ट्रैवलिंग दिक्कत आई। दूसरी चीज, रीडिंग टाइम जो दिया जाना चाहिए 15 मिनट, वो नाम के 15 मिनट है, उसमें बच्चों को सिर्फ 15 मिनट इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए दिए। अरे तुम क्वेश्चन पेपर ही दे दो, चलो ये भी छोड़ो। तीसरी चीज, पेपर इतना लेंदी बना दिया, पेपर इतना ज्यादा लेंदी बना दिया कि वो 3 घंटे में कोई भी सॉल्व ही नहीं कर सकता। अभी बच्चों ने CFR का पेपर दिया, वो CFR का पेपर 3 घंटे में करने वाला पेपर नहीं था, वो लगभग 4 से 5 घंटे ले जाएगा पेपर, जिस हिसाब से आपने पेपर बनाया। मतलब पेपर बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर बच्चों ने दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कहने को थ्योरी भर दी उसके अंदर। MCQ 20 नंबर के ठीक है, उसके बाद जो 20 नंबर के वन वर्ड्स पूछे जाने थे, उसमें पूरे पूरे बच्चा सेंटेंस लिख रहा है, सेंटेंस की टाइपिंग करा रहा है। मतलब टाइपिंग इतनी ज्यादा इन्वॉल्व कर दी आपने प्रैक्टिकल पेपर में भी। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पूछ लिए। चलो वो उस चीज से हम उसको कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। हम ये भी बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट इतनी टाइपिंग तो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए आपकी। जो आपके वन वर्ड है वो एटलीस्ट वन वर्ड तो हो, उसमें पूरी पूरी आप डेफिनेशन, पूरे पूरे आप सेंटेंस लिखवा रहे हो। अब खुद सोचो, बच्चे को टाइपिंग भी करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, मतलब रफ में उसको सॉल्व भी करना है, फिर उसके MCQs भी भरने हैं, तो किस तरीके से बात बनेगी? कैसे वो 3 घंटे में पूरा कर पाएगा? 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी आप लोग नहीं दे रहे हो। बच्चे को पहले पेपर में ही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में ही, CFR के पेपर में बच्चों की हालत खराब हो गई है। आगे क्या बच्चा किस तरीके से, कैसे वो मोटिवेटेड रहेगा? तो परेशान है। अब बच्चे यहाँ पर सिंपली, और हम भी बच्चों की तरफ से यही अपील कर रहे हैं कि सर आप लोग ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते हो, प्लीज इसको खत्म करके ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफलाइन एग्जाम पे लेकर आओ। या तो भाई ऑनलाइन को आप पूरा पूरा MCQ करो, तब हम बात माने कि पूरा MCQ कर दिया आपने, ठीक। अगर वो नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन एग्जाम ले लो, वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। और मेरी इंस्टीट्यूट से यही अपील है, प्लीज ऑफलाइन एग्जाम्स ही आप लोगों को लेने चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, अननेसेसरी बच्चों का फ्यूचर इस चीज से खराब मत करो। आपका जो मॉक टेस्ट था, एग्जाम में जो पेपर आया, वो आपस में मैच ही नहीं करता है। आपने मॉक टेस्ट बना के दिया पता नहीं क्या, और एग्जाम में पेपर आ रहा है पता नहीं क्या। अरे कम से कम उस चीज को कंपेयर तो करके रखो। हम तो बच्चों को कॉन्फिडेंटली मॉक टेस्ट कराते हुए बोल रहे थे कि पेपर आसान आएगा, ऐसे ही आएगा, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं, बच्चा पूरा ही कंफ्यूज हो गया। ना आप लोग क्वेश्चन पेपर रिलीज करते हो, एटलीस्ट कहीं PDF वो डाल दो, बच्चा देख ले, हम देख ले, हमें पता लग जाए कि पेपर का लेवल क्या था, कुछ अता पता ही नहीं है। और टाइपिंग इतनी ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया प्रैक्टिकल पेपर में, थ्योरी की तो बात की बात है, मैं लॉ वगैरह पे तो आई नहीं रहा, वहां तो आप भर भर के टाइपिंग करवाने वाले हो, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में इतनी टाइपिंग करवा दी है बच्चों से, कैसे बात बनेगी? मैं इस चीज को बिल्कुल भी फेवर नहीं करता जो सिस्टम आप लोग चला रहे हो। आपको ये सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, नहीं तो बच्चा इस कोर्स में नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। प्लीज आप लोग ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से ऑफलाइन एग्जाम करवाओ, और इंस्टीट्यूट भी तो ले रहे हैं ऑफलाइन ऑफलाइन एग्जाम, आप क्यों नहीं ले सकते? आप क्यों नहीं ले सकते? सेंटर की अवेलेबिलिटी क्या आपसे नहीं बन पा रही है? ऑनलाइन भी तो आपने सेंटर अवेलेबल करवाए हैं, ऑफलाइन को ले लो। एक बारी में नहीं करा सकते, दो बारी में करा लो एग्जाम। पिछले पीछे सी इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही किया था सर, एक बारी में ना करा के दो बारी में, दो टर्म में एग्जाम कराया। अगर आपके पास सेंटर अवेलेबल इतने नहीं हो पा रहे हैं, दो टर्म में एग्जाम करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, लेकिन एटलीस्ट जो भी करवाओ वो प्रॉपर तरीके से तो कराओ, बच्चे तो परेशान ना हो, बच्चों का माइंड तो खराब ना हो उस चीज से। तो प्लीज या तो सिस्टम इंप्रूव कर लो, या फिर वही पुराना सिस्टम ऑफलाइन एग्जाम्स का लेके आओ। ऐसा नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं चल पाएगा, बिल्कुल भी हम इस चीज को फेवर नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि आपका सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल पेपर में आप लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया है, आगे तो भगवान ही भरोसे है।
देखते हैं जी।